लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा शहर है कितना दूर, 2-3 घंटे का तो सफर है, बस मैं आ गया हूँ भाई साहब। भाई साहब वो रैसल मेरा मतलब है कि, अरे कौन हो तुम बाबा, कौन हो, चलो निकलो। तुम कमाल है, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए कि तुम कौन हो और दूध वालों को घर में कहाँ घुसे चले जा रहे हो। अरे मैं दूध का बड़ा कारोबार करने वाला बंदा हूँ, मेरी बात तो सुने। अरे मेरी बात तो सुने, कमाल है यार, आर्टिस्ट की कोई कदर ही नहीं है, 2 जुमलों की रेसल नहीं हो सकती। माँ माँ अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, माँ तू कब तक लोगों के बर्तन धो धो के मेरी फीस से भरती रहेगी। माँ मुझे शर्म आती है मुझे अपने पर और अपनी जवानी पर। माँ माँ अरे चाचा जी, माँ नहीं है, मामा है, मामा। अबे माँ हो या मामा हो एक ही बात है, मैनेज कर इसको, चल अब मैं कर रहा हूँ, अब देख अब ठीक है। अब देख क्या हुआ। अरे भाई कुछ नहीं हुआ यार। माँ अबे अस्सलाम वालेकुम, अभी तक रिहर्सल नहीं की, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। देख भाई ये किरदार बहुत मुश्किल है, और अगर तू ना कर पाया तो बता दे, मैं किसी और को बुला लूँ। बात सुन भाई, हल्का ले रहा ना, मेरी बात सुन ले, अभी रात होने में ना बहुत वक्त पड़ा है, तब तक हो जाएगी प्रैक्टिस, फिक्र नहीं करो तुम। देख भाई शाम को आऊंगा, और याद रखो कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये किरदार भी आसान नहीं है, बस अब शाम को आऊंगा और अच्छी तरह रिहर्सल कर ली। ठीक है चल। अरे बाबा सही, आपने क्या काम धंधा छोड़ दिया है? अरे चरिया हो गया है क्या तू, किसने बोला तेरे को? बाबा सही, रोज तो तुम गांव से इधर शहर आ जाता है, मैं समझा शायद काम धंधा खत्म कर दिया है। अरे तेरे से तो बेहतर था कि तेरी माँ कोई भैंस को जन्म देती। अरे बाबा सही, वो भी दिया है ना, भैंस को जन्म दिया है, जरीना किसी भैंस से कम है क्या, हर किसी को भैंसे की तरह टक्कर मारती फिरती है। अरे तू तो शहर आके अपनी गैरती बेच चुका है, अपनी बहन के लिए तू ऐसा बोलता है? अरे बाबा सही आप बैठे, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, मुझे सीमा की बुरी याद आई। वो कहीं गई हुई है क्या? अरे नहीं नहीं बाबा सही, वो कमरे के अंदर ही है, कुछ मिनटों से मैंने उसे देखा नहीं है ना, तो याद आ रही थी, मैं देख के आया। आए मौले तेरी भैंस गई पानी। वो बेटा जरीना क्या बात है, ना सलाम ना कलाम ना दुआ है। अरे बाबा साई रोज रोज तो तुम घर में आ जाते हो, अभी तुम्हें देख देख के खुशी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुके का मामा आचा थी। बात ओए ओए, अरे बाबा मौले ये वाली भैंस पानी में जाना तो दूर, ये तो पानी में डूब ही गई भाई। वक्त सर डील डन। अरे क्या बात है सर, आप तो छा गए, थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप कौन? वो मैं जॉब के लिए आई थी, मुझे जानी साहब से मिलना है। मुझे ही जानी कहते हैं, बस थोड़ा वक्त नामुनासिब चल रहा है। तो फिर शुरू करें, ये लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स। ये कागज के 2 टुकड़े आपके काबिलियत के बारे में क्या बताएंगे? तो फिर कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा काम करें और मुझे कायल कर लें। वो कैसे? ये भी मैं बताऊंगा आपको, या तो आप बोली हैं या फिर बन रही हैं। अब वो तो जॉब पे रख के ही पता चलेगा। मुझे लगता है सब बनावट है। नहीं नहीं बस थोड़ा सा मेकअप है। बस तो फिर आप समझे कि नौकरी पे आप पक्की हैं। जानी जी तुम यहाँ बैठे हो, कब से ढूंढ रही हो? बाबा सही आए, जाओ उनके लिए जाके चाय बनाओ। अरे दम तो लेने दे, आपने तो आते ही टेंशन फैलाना शुरू कर दी। अरे आपके लिए मैंने 2000 कार्टन बुक कर दिए और आप मुझे चाय बनाने का कह रही हैं। तो और क्या करूं? अरे आपको तो अपने दस्ते मुबारक से चाय बना के पेश करनी चाहिए। अच्छा अच्छा 2000 कार्टन दिए, 2 लाख नहीं। चलो शाबाश, बाबा साईं की चाय बनाओ, और ये तुम्हारी जो नई टाई है इसके पैसे भी पूरे करने, 2000 कार्टन में काम हो जाएगा। कमाल है,
टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। दूध वाले को जानी बनाया हुआ और जानी को नौकर, हद हो गई। आप कल से आते नौकरी पे? तुम्हारी तो खुद की नौकरी खतरे में, तुम मुझे क्या नौकरी दोगे? आप कौन? कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पांव में। आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। क्या वाकई नहीं पहचाना? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। ओह माय गॉड, रियली आपने मुझे नहीं पहचाना? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसी भयानक औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ओह माय गॉड, गुड जॉक गुड जॉक, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। वो गंजे रंगीले की बीवी तो नहीं आप? नहीं नहीं, बीवी नहीं, मैं तो उनकी पड़ोसन हूँ, एक घर छोड़ के रहती हूँ। अरे रंगीले मियाँ तो इस मोहल्ले के हैंडसम शख्स हैं। मैं एक बात कहूँ आपको, अगले इलेक्शन में आप हिस्सा जरूर लीजिए। कौन है आप? किसे मिलना है आपको? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी पड़ोसन हूँ रंगीली। अच्छा, जब पता होता है यहाँ ऐसे पड़ोसी रहते हैं, मैं कभी इस मोहल्ले में शिफ्ट नहीं होती। अरे मैंने माना कि मैं आपसे ज्यादा हसीन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप दिल छोटा करें। बैठे ना। ओहो, और मैं क्यों बैठूं? अब आप बताएं क्यों आए यहाँ पर? अरे मेरी हमारे घर में जिंदा औरत। क्या मतलब बाबा सही? कुछ नहीं बाबा, हमारे घर खातून आई है, ये तो बाबरकत बात है। अरे मैं तो ये सोच रही थी कि रंगीले मियाँ के अलावा भी कोई इस मोहल्ले में हसीन शख्स है ये नहीं, आज मिल गया। बहुत दिलफरेब बातें करती हो, कहाँ रहती हो? पड़ोसन है हमारी। मैडम मिल लिया आपने, हो गई तसल्ली, अब आप घर जाएं। बाबा अब अंदर चले। बाबा मेहमान है, ऐसी बातें नहीं करते, थोड़ी देर में चली जाएंगी। कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, किधर जाऊंगी? वाह भाई वाह, मेरे दिल से उठने वाले सवाल आपने कैसे जान लिए? क्या बताऊं? अब बीबी कुछ ना बताएं, ठीक है? आप बस अपने घर जाएं, बाद में आ जाएगा। एक ही मोहल्ला, ना मोहल्ला कहीं भागा जा रहा है और ना कहीं हूँ। कहाँ जाऊं? मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। भाभियाँ जुल्म करती हैं, मेरे तो माँ बाप भी नहीं। अरे अरे अरे, ये तो भाई बहुत गमगीन कहानी है बाबा। तो बीबी तुम्हारा शौहर कहाँ है? शौहर कहाँ से आएगा, मैं तो अभी बिल्कुल कवारी हूँ। अरे अरे, इस उम्र में ये बिचारी कहाँ घूमती फिरेगी? जा जा, इसके लिए दूध का गिलास ले आ। सुनिए, दूध में थोड़ी चीनी थोड़ी पत्ती डाल दीजिएगा, दूध पत्ती पीने को दिल चाह रहा है। बीबी ना मैं आपकी भाभी हूँ और ना ही आपके भाइयों का घर। चाहिए निकले निकले यहाँ से फौरन। अरे सबर करो, हमारा भी इस पर हक है, मेरा मतलब है घर पर। देखो ये कहीं नहीं जाएगी, इसको यहीं कहीं पर पनाह दे दो। ये कोई दारू लगानी, मेरा घर है, मैंने सब सुन लिया है। इस बेचारी को जो है ना इसकी भाभियों ने डफा है, ये भाभियां जो ना होती ही जालिम है। जरीना देखो, बैरूनी मामलात में घरेलू सियासत मत लगाओ। जालिम जालिम होता है बाबा, बेरूनी हो या अल बेरूनी, क्या बात है, सही कह रही हूँ ना? अरे अल बेरूनी नहीं, अंदरूनी। देखा बाबा सही, इसको तो मेरी हर बात से तकलीफ होती है। तुम कहीं नहीं जाओगी बहन, मेरे पास ही रहोगी, मेरी चलेगी इस घर के अंदर, क्या ख्याल है बाबा? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। अभी तक उस जरीना जैसे अजाब से तंग थी, उससे छुटकारा हुआ नहीं कि जब देखो कोई ना कोई गांव छोड़ के आ जाता है, वो भी मुझे बर्दाश्त था, लेकिन ये नया रोड से पकड़ के लोगों को घर में जमा करना शुरू कर दिया। बच्चों मैं बता रहा हूँ, पुलिस को फोन कर दूंगी और सबको उठवाऊंगी यहाँ से। अरे नहीं सही, क्या हो गया सही? तरह टंडे दिमाग से सोचो बाबा जानी, वो बेचारी इसलिए लाए हैं कि वो बेचारी वो कहाँ जाती बेचारी? बेचारी बच्चों बच्चों उसको जाके निकालो, बस मत निकाल दो उसको। अरे सही जरा सोचो, मैं उसको कैसे निकालूंगा बाबा जानी के फैसलों के बीच में, मैं नहीं बोलता हूँ सही।
बच्चू प्लीज जाओ ना, उसको जाके निकालो। माय कॉवबॉय। तो सही कोशिश करता है, हटो हटो करता है कोशिश। हाँ जाओ, तुम ही निकाल सकते हो। हाँ ओके। नींद आता ना जी, नींद नींद आ रही है आपको? अरे पापा, पापा आप कब आए? मैं आ गया, पापा आ गया। आप ऐसे ही आ गए, बताया भी नहीं। ये आने से पहले जमीन में छपवा था क्या? अरे सही, मैं तो कहता हूँ पहले तुम्हारे पापा जानी को भेजते, फिर इस औरत को बाहर निकालेंगे। अच्छा मेरे पापा की बात आई तो फौरन भगाने की बात कर दी। किसको भगाने का बात हो रहा जी? अरे पापा छोड़े, कुछ नहीं, वो इस औरत को ये कहीं भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, मेरा आखिरी फैसला है ना जी। लो सही लो, और बोलो। नाराज हो गया बच्चे? थोड़ा पानी पिलेगा? अरे पानी क्यों, मैं आपको दूध पिलाऊंगा। जब पानी मांगा तो पानी पीने का ना इसको। नहीं नहीं, मैं इसको दूध पिलाऊंगा। पानी पिलाने का है? मैं इसको दूध पिलाऊंगा। मैं बोले था ना पानी पीना। अरे बाबा मैं इसको दूध पिलाऊंगा। जानी दूध का एक गिलास लेके आओ। पानी क्या गिलास? दूध 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 वाले का दूध, पानी वाले का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। पानी पानी पीने से पानी, दूध पियो ना, बंद करो पानी, पानी पिएगा, पानी दूध दूध पियो। हेलो, ओ भाई कहाँ रह गए तुम? यार ये गेटअप करे करे मैं पक गया हूँ, और ऊपर से एक नहीं दो दो बुड्ढे। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्टर बनने से पहले मैं के किसी की बीवी ना बन जाऊँ। तो जल्दी आ, नहीं नहीं जल्दी से जल्दी यार। रंगीली रंगीली रंगीली। अरे बाबा रंगीली किधर चली गई? रंगीली, अरे रंगीली ये बैठी है। मेरी रंगीली। रंगीली रंगीली दूध पी ले। पानी पीने का? दूध पी, दूध पानी पीने का मेरा पानी। मुझे कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं पीना, दूध नहीं, पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। रंगीली 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 पानी। ओ यार बाबा तेरी वजह से तो कोई चली गई फिर ना। तुम्हारी वजह से गया ना वो? नहीं भाई अब बात सुनो, दुनिया में आए हैं तो कुछ नेक काम करना भी जरूरी है। ए बच्चू, मुझे लगता है तुम्हारे जो पापा साहब है ना वो खुदकुशी का इरादा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस दुखियारी रंगीली के साथ शादी करूं। सारी नेकियां तुम्ही को कमाना, मैं मर गया क्या? और क्या मतलब है बाबा? मतलब ये है कि मैं रंगीली से शादी करेगा और ये इसकी माँ बनेगी, बस। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बाबा? तुम जाहिलों की वजह से। हमको मालूम है ये पसंद करता तो सिर्फ मुझको पसंद करता। अरे नहीं बाबा, ये तो हमारी माँ बनेगी। हाँ। नहीं जरीना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा क्यों? अरे बाबा सही है, बहुत डरावनी औरत है, मुझे इतनी खौफनाक माँ नहीं चाहिए। ठीक हो गया, इसको खौफनाक माँ नहीं चाहिए ना तो मेरी बेटी को कोई इतराज नहीं है। शादी होगा तो मेरा होगा पक्का। नहीं पापा, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हाँ ये शादी होना चाहता? नहीं, ये तो हमारी ही माँ बन के रहेगी, बस बात खत्म। अरे नहीं जरीना, ये हमारी माँ नहीं बन सकती सही। ये बनेगी हमारी माँ, मेरी बीवी बनेगी। अरे बाबा ये मेरी बीवी बनेगी। अरे अरे रंगीली कहाँ भाग रही हो? कहीं को चोरी वोरी तो नहीं कर ली? मुझे जाने दो भाई, मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसे कैसे जाने दूँ चोरों की तरह तुमको? भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे नहीं, चलो अंदर, शाबाश चलो।
चलो इस हार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। चलो अंदर, चलो 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 चलो, बाकी बातें अंदर आओ चलो। अरे मुंजी गऊ, मुझे बता मैं क्या करूं, एक तरफ मेरा बाप दूसरी शादी करना चाहता है और दूसरी तरफ मेरी बीवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, बता मैं क्या करूं गऊ। बच्चों अब ठीक हो जाएगा। अरे वाह मेरी गऊ, वाह मेरी प्यारी गऊ। लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। नफ्सियाती कहीं के खिला खिला के मेरा बेड़ा खराब कर दिया, रंगीले भैया ये तुझे जान से मार देंगे, निकल ले। अबे उठा ले। हेलो ओ भाई, खुदा के लिए जल्दी आ जा भाई, कहाँ है तू, अब तो रात भी हो चुकी है यार, आ रहा है जल्दी आ जा वरना मैं जान से चला जाऊंगा। ठीक है आ रहे, ठीक है ठीक है। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। यार अच्छा तुम आ गए, अगर तुम थोड़ी देर और ना आते ना तो मैं किसी के स्वागन बन चुका होता। ये इतने सारे लोग क्यों? ये सारे क्रू के लोग हैं, लाइटमैन, कैमरामैन और मेरा असिस्टेंट। वैसे चाचा कुछ भी कह लो, गेट अप बहुत टाइट लग रहा है आपका। एक लगाऊं कान के नीचे, चाचा होगा तेरा बाप। हाँ भाई रंगीले, तूने तो कमाल कर दिया यार, तेरा किरदार पक्का। अरे पक्का क्यों नहीं होगा, जान पे खेल गयो, जान पे मेहनत की है मेहनत। हाँ बस हम भी जाके सेटिंग कर रहे हैं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम आ जाना ठीक है। मैं एक फोन कर आया, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकलो ना यार, एक फोन तो कर लो। लो मोबाइल बंद रखा हुआ, चल भाई निकल। अबे यार रंगीले मियाँ, इस मुसीबत से तो जान छुड़ा। सेमा तुम्हारा माँ भाग्य न भाई। बाबा मैं तो अच्छा खासा उससे के साथ शादी करने वाला था, अब इसके डर की वजह से वो भाग गई। अरे बाबा साई पापा जानी, अच्छा हुआ बला टली बला। तभी से बात कर बाबा, तभी से बात कर। इसका मतलब तभी से बात करने का। अब भाई हमें अंदाजा है आप लोग इस वक्त बड़े दुख में हैं ना, अंदाजा है हमें। आए मुझे अम्मा, इसी की नतरे खा गई उसको भी। हे जरीना अब देख मैं तुझे बोल भी नहीं सकती ना, बकवास ना कर, फिर तो पूरी जिंदगी कुछ बोल ही नहीं सकेगी, हर बार ही तुम्हारी बकवास होती है। चुप हो जा चुप हो जा। बाबा देखो एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, अगर रंगीली को कोई ढूंढ के ले आएगा तो मैं इनाम में उसको 1,00,000 रुपया दूंगा। मर देगा 2,00,000 रुपया। हाँ तो मैं 1,00,000 के साथ एक भैंस भी दूंगा। क्या देगा? भैंस। अरे यार ये रंगीला कहाँ रह गया? इतना टेंशन नहीं लो, अभी आ जाएंगे वो। अरे चलो भाई आ गया, कैमरा ऑन कैमरा ऑन। अरे विक कहाँ है? विक, विक? अबे भाई विक के बिना शूट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? देखो ना एक नया काम आ जाएगा मार्केट में। विक के बिना शूट नहीं हो सकती रंगीले, विक लेकर आओ यार जहां मर्जी से। हो सकता लोगों को ये चीज अच्छी लगे, विक लेके आनी है। ये एक नई मुसीबत। एक मिनट विक विक, ओ समझ गया, आ जाएगी विक। अबे ये नई मुसीबत, पता नहीं क्या चक्कर है। अरे यार रंगीली कहाँ चली गई? 1,00,000 रुपए यहाँ मिल जाते, अगर काश को मिल जाती मुझे। उफ़ो।
कहाँ चली गई यार, ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। अच्छा भला मौका आया था नोट बनाने का। पता नहीं कहाँ चली गई ये रंगीली मिजाज औरत। हाँ? ये तो रंगीली के बाल लग रहे हैं, ये क्या माजरा है? धोखा। चल जानी इसी पर ही ट्राई मार ले। क्या सेठ साहब को क्या बनूं यार, क्या बनूं? हाँ सेठ साहब, रंगीली ने समुद्र में कूद के अपनी जान दे दी, बस ये बाल तैर के किनारे तक पहुंचे। ये ठीक है, तुमको हमेशा अपने दिल में याद करने का। कितना तले अरे क्या हुआ जो तूने समुद्र में डूब कर जान दे दी? अरे तू तो हमारे दिल में जिंदा रहेगी। भाई मुझसे नहीं बचाश, ये बकवास में जा रही हूँ। नहीं जाने का सेवा, नहीं जाने का। तुम्हारी होते होते रह जाने वाली माँ के बालों का दीदार तो कर लेने का ना जी। मौलादा साहब, सेठ साहब जी, मैं जानता हूँ ये बड़े दुख का लम्हा है, लेकिन आधा इनाम तो मेरा बनता है ना। बाबा मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि खबर तो पहले मैंने दी ना। मिलेगा तुमको, मिलेगा। बताओ यार विज्ञा रखी हुई, वहां डायरेक्टर मेरी जान खा गया। क्या जरूरत है आपको ये सब कुछ करने की? क्या मतलब है आपको ये सब करने की? तरक्की करना गुनाह जी, ऐसे लोगों को ना खुला नहीं छोड़ते। तुम भी तो खुला मखुला इंसान में फिर है ना। बाड़ी नहीं है उसके, लेकिन काम यही करता है। बाबा क्या दूध जो है वो फिर तेल के कुओं से निकालता है, बाड़ी नहीं है। अरे ला कितना शर्मनाक है। शर्मनाक नहीं, शर्मिला। जाओ जाके जल्दी से तुम मिठाई लेकर आओ। हाँ बाबा, और बहुत सारी ढेर सारी लाना। बेचारे ने बहुत ही नुकसान उठाया, बाले वालों ने दूध की सप्लाई को रोक दिया ना जी, क्या जुल्म हुआ मेरे बच्चे, इसीलिए बाज बाज पे हिलने लगा। ये नहीं करता है, थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो यू नो मैंने बहुत मेहनत की है सुबह से अंकल। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है, वट्टा सट्टा जोनों कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।